ये कहानी दो लड़कियों के बारे में है जो कि गोल्स हैं। गोल्स यानी कि एक ऐसा डीमन जो इंसान और मॉन्स्टर का मिक्सचर होता है। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक भिखारी एक रेलवे स्टेशन पर रात को अकेला घूम रहा है। ये अपनी सोने की जगह ढूंढ रहा है। ये ढूंढते ढूंढते एक सुनसान बिल्डिंग के पार्किंग में आ जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये यहाँ पर सोने की तैयारी कर ही रहा होता है, लेकिन तभी इसके पीछे से दो मॉन्स्टर या फिर गोल्स इस पर हमला कर देती है और इसे चीर फाड़ कर खा जाती है। इस भिखारी को खाने के बाद ये दोनों गोल्स एक बिल्डिंग के लिफ्ट में जाके बैठ जाती है और ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये दोनों छुप कर ऐसे ही सालों से लोगों को खा कर जिंदा रहती है। आगे हमें एक क्लास दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट को क्लास के सारे बच्चे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। इस स्टूडेंट का नाम लीन है। इस पर आरोप होता है कि उसने क्लास के बच्चों का इकट्ठा किया हुआ फंड चुरा है, क्योंकि जब चेक इन हुई थी तो लीन के बैग में से वो लिफाफा मिला था जिसमें क्लास के बच्चों के फंड रखे हुए थे। लीन बार बार कहता है कि मैंने वो पैसे नहीं चुराए, लेकिन टीचर्स और उसके बच्चे कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं होता। क्लास खत्म होते ही लीन एक बंकर हाउस में जाता है जिसको क्लास के चार बच्चे चलाते थे। इनका नाम है तुआन और उसकी गर्लफ्रेंड वो, और साथ में तुआन के दो दोस्त लियान और विचू। तुआन इस गैंग का लीडर है और साथ में लीन को बहुत बुली करता है। लीन इनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम चारों ने स्कूल के बच्चों के पैसे चुराए हैं और लिफाफा मेरे स्कूल के बैग में रख दिया है। तुआन अब अपने जेब से पैसे निकालते हुए लीन के पास आता है और कहता है कि ये देख, सारे पैसे हमने ही चुराए हैं और तुझे जो करना है तू कर सकता है। और फिर ये चारों मिलकर लीन को पीटने लगते हैं। इधर से निकलकर लीन टीचर के पास जाता है और एक ऑडियो सुनाता है। दरअसल लीन अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को चालू करके तुआन के पास गया था ताकि उसको सबूत मिल सके कि उसने पैसे नहीं चुराए। लेकिन ये सुनकर भी क्लास टीचर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि लीन ने ये किसी और से बुलवाया है। वो लीन से कहती है कि तुम और क्लास के बच्चों के बीच में जो कुछ भी है उसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। और अब वो लीन को क्लास के बच्चों के बीच ले जाती है और कहती है कि लीन अपने काम से शर्मिंदा है और वो मान चुका है कि उसने चोरी की है। और इसके सजा के तौर पर हम लीन को एक कम्युनिटी असाइनमेंट पूरा करने के लिए देंगे। कम्युनिटी असाइनमेंट में लीन को एक स्लम एरिया में जाना होगा और गरीब और लाचार लोगों को खाना खिलाना होगा। और इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए क्लास टीचर तुआन की गैंग को लीन के साथ भेजती है ताकि उन दोनों में जो मतभेद है वो खत्म हो सके, जो कि टीचर की तरफ से बहुत ही खराब मूव था, क्योंकि जो लीन को परेशान करते थे उन्हीं के साथ लीन को भेज दिया गया है। खैर, अब ये चारों शाम को मिलकर स्लम एरिया में जाते हैं। लीन यहाँ पर सबको खाना खिला रहा होता है, लेकिन वो तीनों गरीब और लाचार इंसानों को परेशान कर रहे होते हैं। उनको खाने खिलाने के बजाय उनके सामने खाने का वेस्ट कर रहे होते हैं। उन तीनों को देखकर लीन भी काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है और फिर वो उन तीनों की पार्टी ज्वाइन कर लेता है और अब ये चारों के चारों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये चारों लड़के मस्ती करते करते एक बूढ़े आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले बैठा हुआ था। और अब मौका पाकर ये चारों लड़के इस बूढ़े के घर में इधर उधर ढूंढने लगते हैं इस उम्मीद में कि इनको कुछ कीमती चीज मिल जाएगी। और इसी छानबीन के दौरान इनको एक बंद संदूक मिलता है और इन सबको लगता है कि इस संदूक में कुछ कीमती चीज है। फिर ये तीनों प्लान बनाते हैं कि हम रात को यहाँ आएंगे और ये संदूक को चोरी करके यहाँ से ले जाएंगे। फिर अब ये रात को आते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी हिल डुल नहीं रहा होता है। अब ये चारों आते हैं और वो संदूक उठा के जाने लगते हैं, लेकिन इनकी टॉर्च की रोशनी कॉरिडोर में एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ पर दो गुल्स बैठे हुए हैं जिनको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, और वो दोनों एक आदमी को मार करके खा रही थी। अब जब इनकी टॉर्च की रोशनी उन गुल पर पड़ती है तो उनमें से एक डर कर भाग जाती है और दूसरी इनको मारने के लिए पीछे भागती है। लेकिन पीछा करते करते ये गुल एक रोड पर आ जाती है और सडनली एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे ये घायल हो जाती है। लेकिन अब भी वो बहुत खतरनाक थी। इस जख्मी हालत में भी ये एक लड़के पर हमला करती है और मजबूर में तुआन को उसे मारना पड़ता है जिससे कि वो वही बेहोश हो जाती है। अब उस गुल को मारने के बाद ये चारों नोटिस करते हैं कि ये सारा हादसा एक कैमरे में कैद हो चुका था, इसलिए इसको अब यहाँ पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इन सब की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनके चोरी का पता चल जाएगा। फिलहाल इन चारों लड़कों को ये पता नहीं था कि वो लड़की कूल है। इनको लग रहा था कि ये एक पागल औरत है। आगे ये चारों लड़के उस कूल को अपने बंक हाउस में ले जाते हैं
जहाँ पर थोड़ी देर बाद उस गोल को होश आ जाता है। अब होश में आ जाने के बाद ये बिल्कुल अजीब ढंग से चढ़कर दीवार पर उल्टे पैर से खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर ये चारों लड़के चौंक जाते हैं। और ये देखकर इन सबको पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, और इसे डरकर ये इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान इन सबको गोल की एक कमजोरी पता चलती है कि वो धूप से डरती है। ये चारों इस बात का फायदा उठाते हुए एक मिरर की मदद से उस गोल पर रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं और मौका पाकर उसे जंजीरों से बांध देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि तुवान इस बात को अपनी गर्लफ्रेंड वो को भी बता देता है, और ये सब मिलकर उस गोल को टॉर्चर करने लग जाते हैं, और याद के तौर पर वो उस गोल का एक दांत को भी उखाड़ कर रख लेते हैं। ये गोल अनजाने में किसी को काट ना ले, इसके लिए उसके मुंह को लोहे के एक प्लेट और स्क्रू की मदद से बांध देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दूसरी गोल थी वो बहुत ही तकलीफ में है और अपनी बहन को किसी भी तरह से ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो सिटी में आ जाती है। फिर से हम छोटी गुल को देखते हैं जो खाने की कमी की वजह से कमजोर हो चुकी है, और वो मर ना जाए इस बात से लिन काफी चिंतित रहने लगा था। यानी कि वो बुरे लोगों के ग्रुप में आ तो चुका था, लेकिन अब भी अंदर से वो अच्छा था। अब जबकि लिन उसकी चिंता कर रहा था, तुवान और उसके लोग लिन को ही उस गुल का खून निकलने के लिए कहते हैं, ताकि वो गुल है वो उसके खून पे फीड कर पाए और उसे मरने से बचा पाए। इस तरह से ये चारों गुल को कई दिनों तक कैद करके रखते हैं और मरने भी नहीं देते। अब उस गुल को अपना खून पिला पिला कर लिन भी काफी कमजोर होने लगा था, और उस गुल की हालत देखकर उस पर तरस खाने भी लगा था। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम क्लासरूम देखते हैं, जहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, जहाँ पर लिन भी बैठा हुआ था। वहाँ पर एक लड़का आकर लिन को परेशान करता है। ये सब देखकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे थे, लेकिन तुवान हंस नहीं रहा था, क्योंकि अब लिन उसके गैंग का मेंबर था। वो उस लड़के के पास जाता है और उसे इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। अब ये सब क्लास टीचर देख लेती है और क्लास के सामने सजा के तौर पर तुवान को थप्पड़ जड़ने लगती है, जिससे कि तुवान के मन के अंदर टीचर को लेकर बदले की भावना शुरू हो जाती है। अब वो गुल के पास जाता है और उसका थोड़ा सा खून लेकर टीचर की वाटर बोतल में मिला देता है। तुवान का ये मानना था कि टीचर अगर गुल का खून पी जाएगी तो वो भी गुल बन जाएगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। उस पानी के अंदर गुल के खून से ये टीचर थोड़ी ही देर में बीमार होने लगती है और फिर गुल बन जाती है, जिसके चलते वो सूरज की रोशनी नहीं झेल सकती और जलने लगती है, और ये देखकर तुवान बहुत ही खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिन को एक दूसरे बच्चे से पता चलता है कि तुवान ने उस लड़के को इसलिए नहीं मारा था कि लिन उसके गैंग का मेंबर है, बल्कि इसलिए मारा था कि तुवान को ऐसा लगता है कि लिन को सिर्फ तुवान ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता, जैसे कि लिन उसका कोई पालतू कुत्ता हो। ये बात जानने के बाद लिन के मन में जो तुवान के लिए भावना थी वो भी खत्म हो जाती है, और लिन उसे छोड़ने का फैसला करता है। आगे हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें वो बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर वो बड़ी वाली गुल आ जाती है। वो के पास अपने छोटी सिस्टर का दांतों से बना हुआ ब्रेसलेट देख लेती है और गुस्से में आकर बस के सारे स्टूडेंट को मार डालती है। मतलब अब उसको पता चल चुका था कि उसकी छोटी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो स्कूल के बच्चों ने ही किया है, और इसलिए ये गोल स्कूल के सभी बच्चों को मार देती है। आगे हम देखते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से तुवान बहुत ही गुस्से में होता है, और इसकी वजह से वो उस छोटी गोल के सारे दांत निकाल देता है, और अब वो प्लान बनाता है कि वो दोनों गोल को मार देगा। और इसलिए वो सबसे पहले वो बंधी हुई गोल की रोने की आवाज़ रिकॉर्ड करता है और उसे जगह जगह लाउड स्पीकर पर सुनाता है। फिर हम देखते हैं कि उस आवाज़ को फॉलो करते करते बड़ी गोल उस बंक हाउस तक पहुंच जाती है, और यहाँ पर पहुंचते ही वो सबसे पहले नीचू को मार देती है, जो कि एक पानी के टैंक में छुपा हुआ था। यहाँ पर उसकी गलती ये थी कि उसने उस टैंक में छुपते हुए उसका फ़ोन साइलेंट नहीं किया था, और जैसे ही वो गोल आई उसका फ़ोन बजने लगा, और इसलिए गोल को पता चल गया और उसने उसे मार डाला। अब विंचू की मौत से लिया भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अकेले उस गोल को मार डालूंगा, लेकिन ये उसका फैसला बिल्कुल गलत साबित होता है और उसको भी वो गोल मार देती है। अब तुवान वहाँ से भागता है बंक हाउस के दरवाजे की तरफ, लेकिन लिन ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। तुवान चिल्लाता रहा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, लेकिन लिन दरवाज़ा नहीं खोलता। तुवान बार बार कहता है कि गेट खोल दे मेरे भाई, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन लिन कहता है कि नहीं, हम दोस्त नहीं हैं, तुम सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। और इसी दौरान वो गोल आकर तुवान को भी ख़त्म कर देती है। अब लिन भागता हुआ उस छोटी गोल की तरफ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, और अब तुम्हारी बारी है
तुम भी मेरी मदद करो और उस बड़े गुल को कहो कि मुझे ना मारे। लेकिन उस छोटे गुल को ये बात समझ नहीं आता है क्योंकि वो इंसानी भाषा नहीं समझती थी। और अब यहाँ पर बड़ी गुल आ चुकी है। उसे देखकर छोटी गुल रोने लगती है और बड़ी गुल उसे देखकर ये समझती है कि इसे लिन ने भी काफ़ी चोट पहुँचाई होगी और वो लिन पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में लिन काफ़ी जख्मी हो जाता है और ये सोचता है कि इन दोनों को अब मुक्ति देने का टाइम आ चुका है क्योंकि ये दोनों गुल एक समय पर इंसान थी। दरअसल लिन ने इन दोनों पर रिसर्च की थी और वो पाता है कि 1984 में इन दोनों के जो माता पिता थे वो ब्लैक मैजिक किया करते थे और एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए कुछ गलत हो गया और ये दोनों गुल्स बन गई और इन दोनों ने अपने माँ बाप को मार दिया था। अब लिन एक खिड़की खोल देता है जिनमें से रोशनी आती है और उस छोटी गुल पर पड़ती है जिससे उस छोटी गुल जलना शुरू हो जाती है। इसे देखकर उसकी बड़ी बहन भी उसे लिपट कर उसे बचाने लगती है लेकिन रोशनी के कारण ये दोनों जलकर मर जाती है। आगे हम देखते हैं कि लिन के पास अभी भी वो गुल वाला खून बचा हुआ था। अब वो गिल्टी फील करता है क्योंकि उसने तुअन को धोखा दिया था। साथ ही साथ वो स्कूल के सारे बच्चों का बदला लेना चाहता था जो कि उसे स्कूल टाइम पर परेशान किया करते थे। लिन वो घोल वाला खून लेता है और क्लास की पानी की टंकी में डाल देता है जिससे स्कूल के सारे बच्चे घोल बन जाते हैं और जैसे ही रोशनी के संपर्क में आते हैं वो सभी बच्चे जलने लगते हैं। साथ ही साथ लिन भी जलने लगता है। लिन ने भी वो खून लिया था क्योंकि वो अपने पूरी जिंदगी में उस गिल्ट के साथ नहीं रह सकता कि उसने किसी को धोखा दिया था और मरवा दिया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए।